हेलो फैमिली, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेके हैं मंचूरियन चिली बनाने की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। मंचूरियन चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम कांदे को कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे। कांदे को कट करने के बाद अब हम एक शिमला मिर्ची को ले लेंगे और उसे ऊपर से कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे और इसे हम दो हिस्सों में कट कर लेंगे। दो हिस्सों में कट करने के बाद अब हम इसे बीच में से वापस कट कर लेंगे, यानी कि आपको एक शिमला मिर्ची के चार टुकड़े करने हैं। इसी के साथ अब हम इसके बीए को चाकू की सहायता से कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। बीए को अच्छी तरह से निकालने के बाद अब हम शिमला मिर्ची को बीच में से इस प्रकार कट करके इसके चार टुकड़े कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे शिमला मिर्ची को कट कर लेंगे। शिमला मिर्ची कट करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। इसी के साथ अब हम मंचूरियन बनाने के लिए आधे किलो पत्ता गोभी को कुछ इस प्रकार से बारीक बारीक कट कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं हमने सारे गोभी को अच्छी तरह से कट कर लिया है। गोभी को कट करने के बाद अब हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, उसमें कटे हुए गोभी को ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। पतीले में गोभी ऐड करने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक मिर्ची के पेस्ट को ऐड कर देंगे। इसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। साथ ही में थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड कर देंगे। इसी के साथ अब हम इसमें थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर देंगे। इसी के साथ अब हम थोड़ा सा खाने वाला कलर ऑरेंज कलर को ऐड कर देंगे। चिली सॉस ऐड करने के बाद अब हम इसमें 200 ग्राम मैदे को ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसमें 200 ग्राम कॉर्नफ्लावर को ऐड कर देंगे। इसी के साथ अब हम गैस पे कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम मिक्सचर को हाथों की सहायता से कुछ इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं आपका मिक्सचर बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, साथ ही तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम मिक्सचर को थोड़ा सा लेके इसमें कुछ इस प्रकार से तेल में डाल देंगे। इसी प्रकार से हम सारे मिक्सचर के मंचूरियन तैयार करके तेल में तलने के लिए ऐड कर देंगे। मिक्सचर को तेल में ऐड करने के बाद अब आप गैस की आंच मीडियम कर लीजिए और इसी के साथ अब हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में आप मंचूरियन को कुछ इस प्रकार से उल्टी पलटी करते रहिए ताकि आपका मंचूरियन दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। लगभग 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आपका मंचूरियन बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसी के साथ आप गैस की आंच बंद कर लीजिए और मंचूरियन को हम कुछ इस प्रकार से प्लेट में निकाल लेंगे। मंचूरियन को एक प्लेट में निकालने के बाद अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्ची को ऐड कर देंगे और लगभग हम इसे 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे गैस की आंच मीडियम करके।
30 सेकंड अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे और इसे हम गैस की आंच मीडियम करके ही लगभग 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक मिर्ची के पेस्ट को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। एक मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें चिली सॉस को ऐड कर देंगे, साथ ही में थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 कप पानी को ऐड कर देंगे। दो कप पानी को ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसी के साथ अब हम एक बाउल में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अच्छी तरह से बैटर तैयार करने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें बनाए हुए मंचूरियन को ऐड कर देंगे। मंचूरियन को ऐड करने के बाद अब हम इसे कुछ इस प्रकार से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसी के साथ अब हम थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ले लेंगे, उसे बारीक बारीक कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, इसी के साथ आप देख सकते हैं आपका मंचूरियन चिली बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। प्लेट में अच्छी तरह से निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन को ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आपका मंचूरियन चिली बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, साथ ही इसका कलर काफ़ी बेहतरीन आया है, खाने में भी आपको उतना ही टेस्टी लगेगा। तो विनती करूँगी अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई रहेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, साथ ही आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूले। धन्यवाद।